कुपवाड़ा पुलिस ने हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा किया बरामद। जब्ती में 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्तौल के राउंड और 5 ग्रेनेड शामिल। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को तेज करने के लिए दुश्मन हथियार और गोला बारूद को वादी में धकेलने के मजमूम अजायम के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में कुपवाड़ा पुलिस ने मुकामी फौजी यूनिट के साथ मिलकर आज पुलिस स्टेशन करना के ताड़ इलाके से असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। एक मखसूस इतला पर अमल करते हुए LOC के पास से असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा स्मगल किया गया है। SHO थाना करना मुदस्सर अहमद और PSI आयुष शर्मा इंचार्ज पुलिस पोस्ट ताड़ आयुष शर्मा की कयादत में पुलिस टीम ने मुकामी आर्मी यूनिट के साथ पुलिस चौकी ताड़ के जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन किया। तलाशी के दौरान हजाम मोहल्ला ताड़ करना से भारी मकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्तौल के राउंड और 5 दस्ती बम शामिल हैं। बजाहिर ऐसा लगता है कि वादी कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए स्मगल की गई एक नई खेप है। ताहम पुलिस और मुकामी फौज के बरवक्त कार्रवाई ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वादी में दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाहों को कत्ल करने के मुखालिफ के मजमूम अजायम को नाकाम बनाने में हमारे LOC के कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जो फेंस के बाद आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं चांस रहता है कि कोई ऐसी गतिविधि जो है होती है, और हालांकि आर्मी जो है वो बड़ा बखूबी अपना रोल भी वहाँ पर अदा कर रही है, लेकिन कई बार ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं कि जो चाहे मवेशी को आगे पीछे लेने के चक्कर में या किसी और तरीके में, जैसे कभी कहीं स्प्रिंग से पानी लेना है या उस तरीके से जंगल से लकड़ी काटनी है, उस तरीके से भी लोगों की मूवमेंट रहती है, और उसी इव्ज़ में कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधि भी होती है कि जब नारकोटिक्स हो या आम एमनूशन हो तो इस तरीके का स्मगलिंग करने की कोशिश रहती है। और चूँकि एडवर्सरी का तो हमेशा रहा कि पुश करना यहाँ पर आम एमनूशन, और ये उसी कड़ी में मुझे लगता है कि एक कंसाइनमेंट आई थी कि जिसको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमने उसको सीज किया है, और एक बड़ी रिकवरी जो है। अगर ये मिलिटेंटों के हाथ लग जाता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेशक इसमें देखें 10 पिस्टल हैं तो मतलब कि 10 मिलिटेंट्स और जो टेररिस्ट हैं जो वो तैयार होने थे, और इससे किलिंग्स जैसे पीछे भी हुई हैं, कुछ वारदात हुई है सिविल किलिंग की।